सरोजनी नगर तहसील में लेखपालों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। लेखपालों का कहना है कि इससे पूर्व जब उन्होंने धरना दिया था तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी कई मांगों को माना था, पर अभी तक ज्यादातर मांगों की पूर्ति नहीं हो सकी है, जिसके कारण वे एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पर लेखपाल संघ का क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा का अध्यक्ष हूँ। आज किन समस्याओं को लेकर आप लोग धरना या अनशन कर रहे हैं? हमारा पिछले एक वर्ष पहले हमारा आंदोलन हुआ था, जिसमें हमारी 6 मुख्य मांगें थी, जिसपे शासन स्तर पर सहमति हुई थी कि हम इन मांगों को शीघ्र ही निस्तारित करके और जो मानने वाली है मानी जाएंगी। परंतु एक वर्ष व्यतीत हो गया है, मात्र आश्वासन ही रहा, उसके अलावा कुछ भी नहीं अभी तक मिला। तो इसलिए प्रदेश नेतृत्व को बाध्य होकर के पुनः आज से हमको धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ा। लेकिन इससे पहले जब आपने किया था तो मुख्यमंत्री ने आप लोगों की कई मांगे मानी थी, कौन कौन सी वो मांगे थी जो पूरी हो गई आप लोगों की? मांगे पूरी हुई थी जैसे लैपटॉप स्मार्टफोन उन्होंने दे दिया, ये हमारी मुख्य मांग थी, उसको पूरा हो गया है। लेकिन अभी लैपटॉप और जो उसका मोबाइल का जो नेट का पैक का खर्च है वो कहीं किसी भी मत से अभी तक नहीं प्राप्त हुआ हम लोगों को, नहीं कोई आदेश ऐसा आया है, ये सब हमको अपनी जेब से देना पड़ रहा है। तो कब तक ये आपका धरना चलेगा? ये अभी तो हमारा जो है क्रमवार धरना चलेगा, आज के दिन 3 तारीख को कार बहिष्कार किया जा रहा है। अब इसके आगे प्रदेश नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, आगे की रणनीति बनाएगा आंदोलन के लिए, उसके अनुसार चलेगा हमारा। ठीक है।